से देखते जाइए। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर पेयर, ठीक है। आप क्या कहते हो कि अगर हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपके पास एक और लाइन आ गई, तो ये हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इनका सम होता है 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए लाइन एट वन पॉइंट। अब अगर यहां आप और भी एंगल्स फॉर्म कर दो तब भी जो सम होगा वो 180 ही रहेगा, ठीक है सर। तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 180। तो जब आप कहते हो लीनियर पेयर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, अगर लाइन है तो सम 180 है, और एंगल का सम अगर 180 है तो एक लाइन हो जाती है, ये मेरे पास। दूसरा आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, अगर आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे, लाइन की बात हो रही है, तो जब वो काटते हैं तो चार एंगल बनते हैं, तो आपके पास क्या है, एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, वर्टिकली अपोज सिर उल्टे हो, है ना जी, एक एंगल आपका ये है ऐसे और एक एंगल ये है, तो इनके सिर मिल रहे हैं आपस में, तो ये एंगल्स इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई हो, तो ये दो हमारे पास चीजें हैं, एक होता है आपके पास लीनियर पेयर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए लाइन एट वन पॉइंट, दूसरा आपके पास होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लीनियर पेयर पे दो क्वेश्चन दिए हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल दो साल के अंदर, ठीक है, देखो कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे दिए, एक क्वेश्चन तो पिछले साल दिया था, तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज, फिर उस पर छोटा सा क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है या नहीं, कैलकुलेशन बेस नहीं आता है, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अब आप आराम से बता सकते हो, मम्मी तो ये शायद बता सकते हो जी, वो आपकी मर्जी है ना, बताओ क्या कह रहा है आपसे, ये आपके पास क्वेश्चन है 2018 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, एमयू के एग्जाम तक हम पहले एमयू डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास एक महीना आएगा, आपकी अच्छी बात यह है कि मुझे तीनों महीनों के अलग अलग, तीनों एग्जाम्स के अलग अलग टाइम मिल रहे हैं, फिर हमारे पास एक महीना आएगा, फिर हम 11th जामिया डिस्कस करेंगे लेवल मतलब, फिर हमारे पास एक महीना बचेगा, फिर हम डिप्लोमा जामिया डिस्कस, डिप्लोमा जामिया और दिल्ली सीईटी डिस्कस करेंगे, तो अच्छी बात यही है कि इस बार पूरा टाइम, तो हम टॉपिक तो हम मतलब सब्जेक्ट सिलेबस तो हम ख़त्म कर ही चुके हैं और कर लेंगे, और अगर रह रहा है तो हम चाहते हैं कि लेवल उसी लेवल पर आप आके डिस्कस करें, तो आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास है और ये आपके पास एंगल्स बन गए, ठीक है जी, इस तरह से ऐसे आपसे क्या कह रहा है, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ठीक, आपसे कह रहा है कि भाई एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल्स टू 4:5:6, तो आपसे कह रहा है वाई बताओ, क्या बताओ, वाई बताओ, आपके पास क्या है 60, 80, 48, 72, ये ज्योमेट्री है जी, बताओ पास में आ गई। अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ें क्या हो गई, एक तो हो गई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो गई कि भाई इनका सम 180 होगा, उसने कहा था ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो सम 180 है, एक तो चीज़ ये इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी आपको थोड़ा सा आइडिया रेशो का होना चाहिए, रेशो को आप दो तरह से सॉल्व करते हो, एक तो तरीका ये होता है कि इसका रेशो कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ये दिया हुआ एक्स इज टू वाई इज टू जेड, तो हम मानते हैं, अगर आपको याद हो एक्स इज इक्वल्स टू 4a y is equals to 5a, z is equals to 6a, रेशो दिया था उसके साथ एक कांस्टेंट मान लेते हैं a, तो अब हमें क्या हो जाएगा कि इनका सम 180 है, तो 4a plus 5a plus 6a is equals to, तो 4, 5, 9, 9, 6, 15, तो 15a is equals to 180, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो a इज इक्वल्स टू 12, अब अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, आपको चाहिए था y, क्या चाहिए था, y है 5a, तो y इज इक्वल्स टू 5 × 12 इज इक्वल्स टू 16, एक तो रेशो में तरीका ये होता है, दूसरा तरीका डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट क्या तरीका होता है, ये है 4,
ये है 5, ये है 6, टोटल है आपका 15। तो अगर x की बात करोगे तो x है 4/15। x कितना है 4/15, y कितना है 5/15, कितना है 5/15, और z है 6/15। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि x बताओ कितना, तो x 4 है 15 में से, तो 180 में से कितना, ये आ गया आंसर। बस कोई जरूरत नहीं रेशो कांस्टेंट, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो 15 से ये 12 आएगा, 12 4 जा आ गया बस, तो जो निकालना वो निकल जाता है, जरूरत ही नहीं तीनों निकालने। अब y अगर मुझे निकालना था तो y है 5 कितने में से, तो हाउ मच इन 180 कितना भाई खत्म। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टॉपिक मैं आपको दे दूँ, कौन से प्रैक्टिस आपको करनी है, कि ये वाला मेथड मुझे आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, फास्ट लग रहा है, या वो वाला लग रहा है। तो देखो हमने एक चीज़ पढ़ी, उस पर ये क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन और है, देखो सीधा सीधा सा, बिल्कुल सीधा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पेयर पे। ये आप लोगों ने बचपन में शायद प्रूफ किया होगा, ठीक है जी। अब हमने आपसे क्या कहा, प्रूफ नहीं करना है हमें, तो यहां पे उसको यूज करना है, उस प्रूफ को, इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं इसको तो लिखा रहने देता हूं क्वेश्चन को। तो ये देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बेटे कि POQ एक लाइन है, POQ सीधा NCERT का क्वेश्चन, POQ इज ए लाइन, ठीक है सर। OS इज अनदर लाइन, OS इज, POQ इज ए लाइन, OS इज अनदर लाइन। फिर आपसे क्या कह रहा है कि OT POQ इज ए लाइन, मैं लिख देता हूं ध्यान से रखने के लिए, OS इज लाइन, OT इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ QOS, ऑफ इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये और ये आधा होगा, बाइसेक्ट करना, आधा करना, इंटरसेक्ट करना, काटना। तो कितना काटा कुछ पता नहीं, छोटा सा काटा, बड़ा सा काटा, बाइसेक्ट मतलब बराबर वाला काटा। और यहां दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, OR, क्या दिया हुआ है, OR इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, एंगल, तो इसका भी बाइसेक्टर है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है जी। आपसे क्या कह रहा है, ROT बताओ, एंगल ROT, एंगल ROT कौन सा है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ROT ये एंगल है, ROT ये एंगल है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उनको पता है, 50 70 90 120, कितने तरीके हैं, इतने तरीके हैं। अगर आपसे कह रहा है कि ये बाइसेक्ट है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी x, ये भी x। अगर आपसे कह रहा है ये बाइसेक्ट है तो ये दोनों इक्वल हैं, ये भी y, ये भी, ध्यान रखना x नहीं है ये, कभी x कर दो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये भी y, ये भी y। अब हमें क्या मालूम है, इन चारों का सम 180 है, चारों का सम, तो क्या हो गया भाई, 2x plus 2y is equals to, 2 कॉमन ले लो, तो x plus y is, तो अगर ये वाला एंगल कितना है, x plus, अगर आपसे कभी ये पूछे कि इस दिस प्लस दिस बताओ, ये भी 90 हो, आगे समझे। दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका क्या था, हमें कुछ सोचना है, हमें क्या मतलब है इन चीजों से, आप ये भी सोच सकते थे, ये मेरे पास है, जो चाहे सोचो। मान लो आपने कहा साहब ये तो हो गया 80 और ये हो गया साहब 100, भाई सम तो 180 होना है, आपने इसका आधा कर दिया, कितना हो गया 40, आपने इसका आधा कर दिया कितना हो गया, तो 50 और 40, खत्म। सर आगे समझे, तो देखो दो क्वेश्चन आपके पास सीधा सीधा किस पे दिए हुए, स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पेयर पे। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इन पे सीधे सीधे से क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर दो।